वकला के लिए खुशखबरी, इश्तहार तैनाती लीगल एडवाइज़र तहसील कौन सा? रहीम यारहान। यही रहीम यारहान में उसके लोकल लोगों के लिए जॉब्स निकले हैं लीगल एडवाइज़र के। ये जॉब 2003 के रूल्स रेगुलेशन के तहत कानूनी मशीर की खिदमत बतौर रेगुलर तैनाती बराए अरसा 2 साल एज़ तारीख तैनाती दरकार है। ख्वाहिश मंद वकला साहिबान को मतलब किया जाता है कि वो अपनी दरख्वास्तें मुकम्मल कवायद मुसद्दिका नकुली सर्टिफिकेट के हमरा 4 मई से पहले पहले भिजवाएँ। दरख्वास्त की एक कापी बमाय मुसद्दिका नकुल सर्टिफिकेट सेक्रेटरी हुकूमत पंजाब ला एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट को भिजवाई जाए। पंजाब लोकल गवर्नमेंट लीगल एडवाइज़र रूल्स 2003 के ताबे कम अज़ कम एजाज़ ये कि पेश करने वाले लीगल एडवाइज़र को तरजीह दी जाएगी। शराइत व ज़वाबित, दरख्वास्त दहिंदा का किसी मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी से ला ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। नेज़ उसूली, दरख्वास्त की आखिरी तारीख से कबल बहसीत एडवोकेट कम अज़ कम 5 साल का एक्सपीरियंस रहीम यारहान या एसोसिएशन का मेम्बर हो और बतौर एडवोकेट हाई कोर्ट एनरोलमेंट का हामिल हो। अरसे तैनाती 2 साल होगा जो मुकर्रा मुद्दत के ख़त्म होने पर ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। माहाना एजाज यानी रिम्यूनरेशन 15,000 होगा। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये बढ़ा भी सकती है, लेकिन कम से कम 15,000 ही होगा। अगर एप्लीकेंट्स रहीम यारहान से दूर जाना चाहे किसी और काम के लिए तो उसको सफ़र का खर्चा दिया जाएगा। ये सब रिक्रूटमेंट 2003 के रूल रेगुलेशन के तहत होगा। हुकूमत पंजाब की तरफ से वक्तन वक्तन जो हिदायत जारी होगी लीगल एडवाइज़र के लिए इन पर अमल दरामद करना और करवाना ज़रूरी होगा। नोट, तकर्री से मुतालिक हुकूमत पंजाब का फैसला हतमी होगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो वकील है जिसने ग्रेजुएशन किया है ला में और वो रहीम यारहान के इलाके यानी ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप कोशिश करें।